Hey, what's up, Food? It's Amit, certified functional training specialist. और आज मैं लोअर चेस्ट फैट या फिर मैन बूब्स की जिनको प्रॉब्लम है, गाइनो की प्रॉब्लम है, उनकी टॉप थ्री एक्सरसाइजेस होम बेस्ड बताने वाला हूँ। साथ में आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ गाइनोकोमेस्टिया की या फिर लोअर चेस्ट फैट हटाने की। बहुत ही यूनिक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। और जब भी आप न्यू एक्सरसाइजेस करते हो तब क्या होता है कि न्यू मसल फाइबर्स रिक्रूट होती है। इस केस में हमारी लोअर चेस्ट की जो है वो मसल्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द एक्सरसाइज। सो हमें जो फॉर्म लगानी है डिप्स की वो कुछ अलग प्रकार की है। जो हैंड्स की एंगल है वो थोड़ी ज़्यादा होगी एंड हमारे बैक जो है वो थोड़ी सी राउंडेड होगी, राइट। एंड इसके बाद हमें डिप्स लगाना है इस प्रकार, ब्रीद इन ब्रीथ आउट। मेक श्योर पूरी नीचे जाएं जितना हो सके और ऊपर आएँ, राइट। और नॉर्मल डिप्स की फॉर्म से ये इसलिए अलग है क्योंकि नॉर्मल डिप्स जब आप लगाते हो तब क्या होता है कि आपकी हैंड जो है वो स्ट्रेट रहता है। आप देख सकते हो ये स्ट्रेट है और हमारे केस में कुछ इस प्रकार थी। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रेट रखते हो तब क्या होता है कि जो टेंशन है वो ट्राइसेस पे आएगी, पर हमारे केस में हमें जो टेंशन चाहिए वो लोअर चेस्ट में चाहिए, राइट। सो इसीलिए एंगल इस तरीके से है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस प्रकार की डिप्स लगाते हो तो क्या है कि आप देख सकते हो कि बॉडी वेट जो है वो मेनली आपकी इस साइड है, राइट। सो हमारे केस में क्योंकि हम लोग वेट शिफ्ट कर रहे हैं उसीलिए टेंशन हमारी लोअर चेस्ट में जाएगी जो हमें इस एक्सरसाइज में चाहिए। ऐसे आपको करीब 15 से 20 रिपीटेशंस लगाने हैं और आपको ऐसे 4 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। जब भी आप नॉर्मल पुशअप पोजीशन से जो ज़मीन पे लगाते हो एक एंगल्स पे जब लगाते हो तब क्या होता है कि जो टेंशन है वो लोअर चेस्ट पे आती है बायोमैकेनिकली। बिगिनर्स आप क्या कर सकते हो, आप वॉल पुशअप लगा सकते हो, मतलब दीवार पे पुशअप लगा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए पुशअप की ट्यूटोरियल के लिए आप ऊपर क्लिक करें कार्ड नोटिफिकेशन। सो लेट गेट इनटू द एक्सरसाइज। तो हमारी जो फॉर्म चाहिए वो क्या है कि बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आप इस प्रकार हैंड्स अंदर और अंदर ले जानी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो ऐसे आपको 20 रिपीटेशंस लगाने हैं ऑल टोटल। मेक श्योर आपकी जो फॉर्म है वो क्या है कि जो कोर को पूरी टाइट रखना है, इसका मतलब ये है कि जो हिप्स है वो ज़्यादा ऐसे नीचे ना जाए और ज़्यादा ऊपर ऐसे ना जाए, राइट। आपको पूरा स्ट्रेट लाइन में बॉडी को मेंटेन करना है और पुशअप लगानी है उसी प्रकार। इनकम्प्लीट रेंज ऑफ मोशन नहीं लगाना है जैसे कि बहुत लोग इस प्रकार कुछ लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी आधी अधूरी क्या होगा कि चेस्ट की जो लोअर चेस्ट की जो मसल है वो ट्रेन होगी, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए ताकि पूरी हमारी जो लोअर चेस्ट की जो मसल है वो पूरी ट्रेन हो अच्छे से, कुछ इस प्रकार। और अगर एडवांस अगर आपको और चैलेंज चाहिए इस एक्सरसाइज में तो आप क्या कर सकते हो, इसके लेवल को और बढ़ा सकते हो जिससे कि ज़बरदस्त पंप आएगी। वो कैसे मैं बताता हूँ। आपको कुछ होल्डिंग पोजिशन चाहिए क्योंकि मेरे केस में बहुत लंबा है, मैं इस साइड भी पकड़ सकता हूँ पर इससे हैंड्स क्लोज होगी, पर नो प्रॉब्लम मैं ऐसे साइड्स पकड़ लिया। और इसमें आपको इंक्लाइन पुशअप लगाना है तो इससे क्या है कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक लोअर चेस्ट में जो पंप है, ब्लड है, बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली गाइनोकोमेस्टिया या लोअर चेस्ट फैट रिड्यूस करने के लिए। हमारी लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है रेशियन ट्यूब क्रॉस ओवर। मेक श्योर आप जो एंगल है वो ऊपर बांधे, मतलब मेरी जो चेस्ट की लेवल से ये हमेशा ऊपर रहेगी। वो इसलिए मैं बताता हूँ आपको। सो क्योंकि जब भी आप अगर आपकी एंगल जब ऊपर है तो हम जब इस नीचे पुश करते हैं तब क्या है कि हमारी लोअर चेस्ट में ब्लड जाती है या फिर टेंशन लोअर चेस्ट में आती है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर आपकी चेस्ट इस लेवल से ऊपर है, मान लीजिए मेरी चेस्ट की लेवल इससे ऊपर है, आपको ऊपर पुश करना पड़ेगा। सो ऊपर जब आप ऐसे पुश करते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि आपकी इंस्टेड ऑफ लोअर चेस्ट अपर चेस्ट को ट्रेन करती है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें फिलहाल लोअर चेस्ट की फैट या फिर लोअर चेस्ट पे पंप चाहिए ताकि ब्लड ज़्यादा ज़्यादा फ्लो करे। सो दूसरी चीज़ है, अगर आपको डिफ़िकल्टी बढ़ानी है इस केस में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये मेरा बहुत ढीला है, मैं चाहूँगा तो आगे जा सकता हूँ ताकि इसकी जो टेंशन है वो और ज़्यादा आए, राइट, कुछ इस प्रकार। और अगर आपको इसी पोजिशन में टेंशन चाहिए तो इसको आप छोटी भी कर सकते हो। एनीवेज जैसे भी आपको टेंशन चाहिए आप दोनों साइड से आप एडजस्ट कर सकते हो। सो कुछ फॉर्म इस प्रकार रहेगी, आप ब्रीद इन करें इनिशियल पोजीशन में और एक्सट्रीम पोजीशन इधर ब्रीद आउट करें
ऐसे आपको दोनों हाथ से रिपीटेशन करना है, ऐसा नहीं कि एक हाथ से किए दूसरे हाथ से छोड़ दिया, इससे मसल इम्बैलेंस होगी, ये हमें नहीं चाहिए। सो मेक श्योर आप 20 रिपीटेशंस करें, और सारे एक्सरसाइजेज जो मैंने बताया है आप बिगिनर्स आप 3 राउंड्स लगा सकते हो 20 रिपीटेशंस की, और एडवांस अगर आप हो आप 5 से 6 सेट्स लगा सकते हो 20 रिपीटेशंस की। अब मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे गायनोकमेस्थिया या फिर लोअर चेस्ट फैट को आप कम कर सकते हो। इसके 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है मेंटल बैरियर, इसका मतलब ये है या फिर ये तब होता है जब आप अपने फ्रेंड्स की सुनते हो और ना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की सुनते हो। सो मैं आपको एक छोटी सी क्वेश्चन करूँगा कि जब आप बीमार पड़ते हो तब आप किसके पास जाते हो या किसकी सजेशन लेते हो, क्या वो फ्रेंड्स है क्या वो डॉक्टर है? आप नीचे कमेंट में बताएं आप किसकी सजेशन लेना पसंद करोगे या आप प्रेफर करोगे। सो जब भी आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 30-40% जब होता है तब क्या है कि आपकी बॉडी ऐसे दिखने में लगेगा कि आपकी गायनोकमेस्थिया या चेस्ट की फैट जो है वो लटकती हुई दिखेगी। तो इसकी जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप मेरे फ्री फैट लॉस प्रोग्राम बॉडी वेट स्कल्प जो होम बेस्ड प्रोग्राम है या फिर रिब मैट्रिक्स जो जिम बेस्ड प्रोग्राम है कोई एक प्रोग्राम फॉलो करें। वर्कआउट वीडियोस, डाइट वीडियोस, फुल डे डाइट वीडियोस एंड पीडीएफ के साथ है सारे प्रोग्राम वेज नॉन वेज। सो कोई भी एक प्रोग्राम फॉलो करें आप देखोगे कुछ महीने के अंदर आपके जो रिजल्ट्स है वो दिखना शुरू हो जाएगी, चेस्ट जो है वो शेप में आ जाएगी। सो और दूसरी चीज़ नोट करें कि जो ये चीज़ है बॉडी फैट परसेंटेज इसे कहते हैं राइट, इसे चेस्ट फैट परसेंटेज नहीं कहते हैं जिससे कि चेस्ट की सिर्फ फैट रिड्यूस होगी, बॉडी फैट परसेंटेज इससे डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल बॉडी की जो फैट है वो कम होती है ना कि सिर्फ चेस्ट की। दूसरा केस ये है कि सही में आपको गायनोकमेस्थिया मतलब मेडिकल कंडीशन है। गायनोकमेस्थिया मेन में तब होती है जब आपकी टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम उत्पन्न होती है जो कि मेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन के मुकाबले। ये बहुत सारे रीज़न के या कारण के लिए हो सकता है, ये हो सकता है आपकी ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर आप टीके या फिर जो विटामिन जी एन एस जो यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स में उसका उपयोग करने के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हो सकता है। बहुत सारे आप तरह तरह के मेडिसिन ले रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हो सकता है, और तो और शराब पीने के कारण भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई केस में अगर आप लाई करते हो या फॉल करते हो आपको लगता है कि इनमें से कोई केस है तो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेसिफिकली सर्जन के पास जाना चाहिए। वो सही इंसान है आपको गाइड करने के लिए, ना कि कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कोई ट्रेनर के पास आपको जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइक करें वीडियो को अगर आपको हेल्प मिली, ऐसे ही शेयर करते रहें मेरे वीडियोस को ताकि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकें, ना कि ब्रो साइंस या फिर अंधविश्वास। सो टेक केयर, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग दिस, अमित साइनिंग ऑफ़।